नौ तक आपका टाइम पूरा हो गया, सात से आठ, आठ से नौ, नौ से दस आपकी ब्रेक टाइम हो, आप ग्यारह से लेके एक बजे तक आप न्यूज़पेपर और उसकी हैबिट जरूर डेवलप करो, क्योंकि न्यूज़पेपर सेवंथ कंपलसरी सब्जेक्ट है। न्यूज़पेपर के बगैर सीएसएस को भूल जाए कि आपका सीएसएस हो सकता है, लेकिन सेवंथ कंपलसरी सब्जेक्ट इसको कंसिडर किया जाता है। न्यूज़पेपर में प्रेफरेंस शुरू में स्टूडेंट्स को जिनको हैबिट नहीं होती पढ़ने की, उनको डान पढ़ते हुए मुश्किल पेश आती है, उसकी वोकैबुलरी ज़रा स्ट्रांग है, तो अगर आप शुरू में महीना डेढ़ जो है कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे द नेशन है या ऑब्जर्वर है, ठीक है, ट्रिब्यून है, ये भी सही है, लेकिन एट द एंड शिफ्ट डान के ऊपर, ठीक है, और डान के ऊपर क्यों इसको प्रेफरेंस दी जाती है, डान ही न्यूज़पेपर क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसके दो तीन मेन रीज़न। नंबर वन ये है कि डान जो है ये पाकिस्तान में ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, सबसे पुराना ये, ठीक। नंबर टू ये है कि इसके जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो भी बड़े मंझे हुए आर्टिकल, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, ठीक। तीसरा इसका रीज़न ये है कि इसकी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग, आपको मिस्टेक्स जो है वो डान में बहुत मिनिमम होते हैं, होंगी मिस्टेक उसमें भी है, ये नहीं है कि नहीं होती उसकी लैंग्वेज में, लेकिन लैंग्वेज जो है उसकी एक तो स्ट्रांग यूज हुई होती है और प्लस उससे वोकैबुलरी बड़ी अच्छी हुई होती है। अच्छा मजे की बात बताऊं कि डान की वोकैबुलरी 250-300 वर्ड्स के टोटल, सिर्फ अगर आप 250-300 वर्ड्स को डान के निकाल के याद कर लें तो आपको नया वर्ड डान में मिलेगा, आप दो साल भी डान पढ़ते रहे उन 250-300 वर्ड के अलावा आपको नया वर्ड मिलेगा, वो उसकी भी अपनी लिमिटेड वोकैबुलरी लेकिन अच्छी है वोकैबुलरी। और दूसरा उसका दो एंगल से आप उन्हें पढ़ते, नंबर वन जो 25 में अपीयर हो वो अभी मटेरियल के एंगल से मत पढ़ें, अभी जरूरत भी नहीं है उसका मटेरियल के एंगल से, अभी आप उसको लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके पैराग्राफ को क्रिटिकली देखें कि वो पैराग्राफ को ओपन कैसे कर, कौन से वर्ड्स यूज करके वो ओपन करता है पैराग्राफ, और फिर पैराग्राफ के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज हुआ वो क्या क्या उसने स्ट्रक्चर यूज किया, फिर पैराग्राफ की क्लोजिंग को देखें कि वो पैराग्राफ को क्लोज कैसे कर, फिर आपस में पैराग्राफ की कनेक्टिविटी को देखें कि दोनों पैराग्राफ को कनेक्ट कैसे कर, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उसके सिर्फ क्रिटिकली थोड़ा सा उसके आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें उसमें से लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी अच्छी मिलती, जबकि बाकी न्यूज़पेपर में वो थोड़ा कोहेरेंस नहीं होती, लैंग्वेज की मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ डान को पढ़ें, डान में भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डान हार्डली उसमें 3 पेजेस हैं काम, वो भी पूरे 3 पेजेस काम करेंगे। नंबर वन जो है आर्टिकल वाला पेज, ठीक, नंबर टू उसके अपोजिट जो पेज है ओपिनियन वाला पेज, दो, और नंबर थ्री जो पेज आप लोगों ने पढ़ना है वो सेकंड लास्ट पेज होता है, वर्ल्ड इन फोकस, वर्ल्ड इन फोकस उसमें इंटरनेशनल न्यूज होती है, उसको पढ़, ये 3 पेजेस हैं जो कि आपने पढ़ने हो। और एक और बात भी जहन में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो गलती करता है, अब न्यूज़पेपर से बात आगे निकल गई, वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल काट कर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये अगर आप पूरा सारा आर्टिकल इकट्ठे करते रहेंगे तो एंड के ऊपर आपके पास इतना बंडल बन चुका होगा कि आपका देखने का पढ़ना क्या देखने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। आप अभी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका जो 25 में पीयर हो रहे हैं फरवरी मार्च आगे शुरू होता है, फिर आपको मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर करना है। अब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से डान को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, डान से आपने मटेरियल कैसे निकालना है, ठीक। अब फरीद साहब के आप लोगों के साथ लेक्चर्स हो चुके हैं 2-3 शुरू वाले, उसमें वो सारा सिलेबस का आइडिया तो आपको दे देते हैं, ठीक। एक रजिस्टर लें, उसको पहले 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करें, नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल, नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज। करंट अफेयर जब भी आपने प्रिपेयर करना हो आपने वो इश्यूज देखने हैं, सीएसएस के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज कौन से, अक्सर स्टूडेंट ये भी देखता है ना कि ये भी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीएसएस के स्टूडेंट के साथ ये होती है कि उसको हर चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, वो न्यूज़पेपर की हेडिंग देखते वक्त ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये वो चीजें हैं जो कि स्टूडेंट का टाइम ज्यादा जाया करती हैं।
ये इररेलेवेंट चीजें वो पढ़ रहे हैं। तो आपने कैसे रेलिवेंट न्यूज़पेपर में से कौन सी चीजें जो आपकी सीएसएस से रेलिवेंट है जो आपने निकाल ली, उसमें आप जब इश्यूज को देखेंगे, नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज में आपने वो इश्यूज लेने, ये नहीं है इश्यू के पॉलिटिक्स में कौन आया, इमरान खान आया या नवाज शरीफ आया या वो आया, ऐसा कभी सीएसएस में नहीं है। आपने वो इश्यूज देखने हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए फायदा मंद है या डेंजरस है, ये सिंपल सी बॉटम लाइन। कोई भी इशू अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये सीएसएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, उसको इस क्राइटेरिया पे आप रख के देंगे, अगर वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल इशू है फिर भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस है फिर भी इंपॉर्टेंट है सीएसएस, लेकिन अगर उसका एज ए कंट्री पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नुकसान नहीं है तो फिर वो इंपॉर्टेंट सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से।